और सीएम योगी आज गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। वहां पार्टी नेताओं से विधानसभा उपचुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में मंत्री सुनील शर्मा, सांसद, विधायक और मेयर समेत सभी पार्टी पार्षदों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि अतुल गर्ग के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते मुरादनगर विधानसभा सीट खाली हुई है। यहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बातचीत होगी। इनकी बैठकों का दौर चलेगा और यहां से जीत का मंत्र मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। और इससे पहले सीएम योगी ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति के आवास पर जाकर उनसे भेंट मुलाकात की। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, उन्हें औपचारिक उनको फैसिलिटेट किया, उनको गुलदस्ते दिए। उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है सीएम योगी की, क्योंकि आज दिल्ली भी पहुंचे इसी और फिर इसके बाद मुरादनगर यानी गाजियाबाद जाएंगे। वहां पर भी बैठकों का दौर आज मुख्यमंत्री के साथ तमाम नेताओं का रहने वाला है। और बाराबंकी में प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से 36 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को प्राइवेट और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि इस हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन मौके से फरार हो गया। जहांगीराबाद थाना के अवध एकेडमी की यह घटना है। सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया और घायल बच्चों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए। स्कूल तक ये एडिट था, लेकिन बच्चे यहाँ पे इंटर तक पढ़ रहे थे। 400 से अधिक बच्चे थे। सुबह प्रार्थना के समय एक ही समय एक साथ छज्जे पर काफी बच्चे नीचे उतरने के लिए आ गए और वो छज्जे पर लोड बढ़ा होगा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रही नहीं होगी, नीचे गिर गए। करीब 40 बच्चे बताया जा रहा है कि उसमें घायल हो गए हैं और उन सभी लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों को फर्स्ट एड दिलवा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। वहाँ सीएमओ और सीएमएस पहुंच गए हैं, उनका इलाज हो रहा है। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर डिलीवरी बॉय से बदसलूकी का मामला सामने आया। डिलीवरी बॉय मोहम्मद असलम के नाम पूछकर गाली देने और मुंह पर शराब फेंकने का आरोप लगाया है। वो यहां पर खाना पहुंचाने गया था। असलम के मुताबिक घर में मौजूद लोगों ने उसका नाम पूछा, गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बंधक बनाकर उसे पीटा और कमरे में बंद कर उठक बैठक करवाई। गोमती नगर पुलिस ने केस दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर। और नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो खुद को गृह मंत्रालय में जॉइंट डायरेक्टर बता रहा था, दो गनर और ड्राइवर के साथ घूमता था। फर्जी आईएएस कृष्ण प्रताप सिंह देवरिया का रहने वाला है और खुद को आईएएस बताकर जालसाजी किया करता था। आरोप के मुताबिक वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करवाता, डीसीपी नोएडा से मिलने पहुंचा था। तभी थाना फेज 1 पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से 2 पिस्टल, 1 कार और 4 मोबाइल बरामद कर दी गई। और आप खबर हापुड़ से लेते हैं, जहां पर बिजली विभाग के ऑफिस में स्टाफ के शराब पीने का वीडियो सामने आया। आरोप के मुताबिक आए दिन कपूरपुर थाना क्षेत्र के समाना बिजली पर तैनात कुछ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान शराब पीते हैं, नशे में ही काम करते हैं, इससे हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। बिजली कर्मचारियों की बियर पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी बिजली घर पर ही बियर पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रयागराज के इरादतगंज हवाई पट्टी पर एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच कर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्राथमिक जांच में लूटपाट को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और हरदोई से खबर, जहां पर एक शख्स ने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को बरगलाने के लिए आरोपी ने लड़की का फोन चलती बस में फेंक दिया। हत्या का आरोपी रिश्ते में लड़की का मौसा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था,
लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी दूसरी जगह पर तय कर दी, जिससे नाराज आरोपी ने अपने साढ़ू की बेटी की हत्या कर दी। लड़की रक्षाबंधन पर आरोपी मौसा के घर गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और बिजनौर में छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई ना होने से नाराज लड़की के परिवार ने अपने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लड़के ने लड़की के साथ अभद्रता और उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस ने जब इस बात की शिकायत की तो आरोप है कि उल्टे पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने घर पर लिख दिया ये मकान बिकाऊ है। एक समुदाय के लड़के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़की के मोबाइल पर अश्लील आपत्तिजनक चैटिंग मैसेज प्रेषित किया गया, जिससे आहत होकर के लड़की के भाई के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़के के मोबाइल पर एक आपत्तिजनक ऑडियो प्रेषित की गई जो वायरल हो गई, जिसके आधार पर थाना चाँदपुर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्रवाई की गई। दूसरे पक्ष की लड़की जिस पर अश्लील मैसेज जिसके मोबाइल पर प्रेषित किया गया था, उसकी तहरीर पर भी थाना चाँदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इससे आहत होकर एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखा दिया गया था, जिसे समझा बुझा करके इसे हटवा दिया गया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई प्रचलित। गाजियाबाद पुलिस ने लव जिहाद के आरोप में डॉक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर अब्दुल रहमान पर आरोप है कि उसने लव जिहाद के तहत नोएडा के अस्पताल में साथ काम करने वाली महिला डॉक्टर से नजदीकी बढ़ाई, फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। आरोप के मुताबिक जब बेटे का जन्म हुआ तो उसका नाम अली रखा और उसकी सुन्नत भी कराई गई। अब्दुल रहमान नामक इस व्यक्ति ने एक हिंदू महिला से 2018 में शादी की थी और वहां पर जाके बताया आज समाज और वैदिक रीति रिवाज से कि उसने अपना धर्म बदल लिया है, अब वो हिंदू हो गया है और उसकी शादी कराई जाए। इस आधार पे उसने वहाँ पे अपनी शादी की, शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया। जब इनको 2021 में संतान के रूप में एक बेटा पैदा हुआ तो इसने जो अब्दुल रहमान है उसने उसका नाम मोहम्मद अली रखा, उसकी सुन्नत भी कराया मुस्लिम धर्म की मान्यताओं के अनुसार। कानपुर से खबर, जहां पर संजीव नगर इलाके में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। चकेरी थाना क्षेत्र की घटना है। आग लगने से कई घंटों तक बिजली सप्लाई बाधित रही। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। और शाहजहांपुर में दोस्तों के साथ घूमने निकले शख्स की गर्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसके शव को बाहर निकाला। वहीं परिजनों ने लड़के के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना तिलहर के रायखेड़ा गांव की है। बताया जा रहा है कि गर्रा नदी में नहाने के दौरान वो डूब गया। उसके शव को पुलिस ने 20 घंटे बाद बरामद किया। घर से बुलाने ये बोल के आए थे कि घूमने चलो। वो हाँ, वो मेरे बाबा रहते हैं साथ में उसके, तो वो उनको ये बता के गए थे कि हम जा रहे हैं घर पर, वो उसके दोस्तों के साथ में। तो ये किसने बताया कि डूब की मौत हो गई है आपको? ये सब जब मैंने फोन किया मेरी चाची ने और इनके फ्रेंड्स बता रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया हमें कि उसके चेहरे पे मतलब निशान है, चोट है, पीछे है। और लखनऊ में खुद को घर के कमरे में बंद करने वाले छात्र को पुलिस ने सकुशल बाहर निकाल लिया। 12 घंटे तक समझाने के बाद 12वीं का छात्र कमरे से बाहर निकला। परिवार और डॉक्टर छात्र की काउंसलिंग कर रहे हैं। माता पिता से नाराज छात्र खुद को गोली मारने की धमकी दे रहा था। कल दोपहर बाद छात्र ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। छात्र ने कमरे में खुद को कैद कर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ये पूरा मामला कुंडवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।